परिवर्तन वाले विचार रखने वाले महानुभाव को, उनके विचारों को नमन करता हूँ। यहाँ स्टेज पर आज इस देशव्यापी रैली के माध्यम से अलग अलग प्रांतों से आए सभी महानुभाव को और इस रैली का आयोजन हमारे जेएस पाटिल साहब के नेतृत्व में होने जा रहा है, उन्हें भी एक जय भीम करता हूं। यहां आए हुए सभी महिलाओं को, पुरुषों को, इस विचार को लेकर देश में काम करने वाले सभी कार्यकर्ताओं को मैं अपना क्रांतिकारी जय भीम करता हूं। आंगनवाड़ी सेविका के सेक्रेटरी जो सचिव है प्रफुल्लता लोनारे, वो स्टेज पर आए, वो स्टेज पर जल्दी से जल्दी आए हैं। हाँ, तो आंगनवाड़ी सेविकाओं के बारे में मुझे बोलने के बारे में कहा है। दोस्तों, ये जो प्रकल्प है यह 1975 में शुरू हुआ है प्रायोगिक तत्वों पर, लेकिन इनके रिजल्ट देखते देखते अच्छे आने लगे हैं और इस प्रकल्प को गई 42 साल से ये सरकार चला रही है। ये प्रकल्प चलाते समय जिन जिन महिलाओं की इस पर नियुक्ति की गई है उन्हें बहुत ही मामूली सम्मान धन देते हुए नियुक्ति की गई है। 1200 से लेकर अभी तक 42 साल में अभी फिलहाल में उनको 5000 मानधन देकर वो प्रकल्प चलाया है। उस प्रकल्प को चलाते समय उन महिलाओं को क्या तकलीफ है क्या तकलीफ नहीं है ये तो उन्हीं को मालूम है, मुझे भी कुछ मालूम है। और मैं महाराष्ट्र में इस नील महिलाओं की संगठन को खड़ा करके ये स्वतंत्र मजदूर यूनियन को जोड़ दिया है ताकि इस महिलाओं को न्याय मिले, इस स्टेज पर से हमारी बात सरकार सुने। 5000 कोई इस मायने नहीं रखता है, अभी की महंगाई का अगर दौर देखा जाए तो 5000 में क्या होने जा रहा है। हम उन्हें जो काम लेते हैं 12-12 8-8 10-10 घंटे, उन काम को देखते हुए उन्हें तो वेतन मिलना चाहिए, नियमित होना चाहिए उन महिलाओं को। ऐसी हमारी मांग आज के इस मंच से की जा रही है। दोस्तों, इन महिलाओं को जो काम मैं गिनूं तो बहुत 1819 ऐसे रजिस्टर मेंटेन करने पड़ते हैं। सवेरे से तो शाम तक सभी लोगों का संपर्क इनका होता है, सभी से संपर्क करते हुए उनकी देखभाल करनी पड़ती है, उनके आरोग्य के बारे में देखना पड़ता है। इन सारी चीजों को देखते हुए इन्हें 12 घंटे भी कम जाते हैं और कभी कोई रात में भी 10 बजे कोई इनका दरवाजा खटखटाए और कुछ गोलियां भी मांगने आए तो भी उन्हें उठकर उनकी सेवा देना पड़ता है। इस तरह की सेवाएं इनसे ली जाती है। और दूसरी बात, लेकिन सरकार इन पर कोई ध्यान दे नहीं रही। अनेक इन महिलाओं की अभी तक जो 12 संगठनों का नाम लिया है साहब ने, उन सभी संगठनों को यहाँ के मनवाली लोग चला रहे हैं। आज तक किसी सरकार ने, जो कि पहले भी सरकार थी वो भी वैसी ही है और अभी जो सरकार है इनने भी कभी ध्यान नहीं दिया। इसलिए मैं इस मंच से गुजारिश करता हूं कि सरकार ने इन महिलाओं की समस्याओं को देखते हुए इन्हें नियमित करके कुछ तो भी चतुर श्रेणी में डाल के इनको वेतन पर लेना चाहिए। इतना ही मैं बोलकर बस अपने पूर्ण शब्द समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत। हमारे पंजाब के साथी